हाय एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। गाइज, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 2 BHK अपार्टमेंट्स जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में आपको मिलने वाले हैं, अफोर्डेबल रेट्स में मिलने वाले हैं। मात्र 31 लाख में आपको 2 BHK मिल जाएगा इस बिल्डिंग में। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ, सेक्टर 110 नोएडा में लाई करते हैं। मेन मार्केट है इसके पास में, जो कि भंगेल गेजा रोड की जो मेन मार्केट है। डेली नीड्स का सारा सामान मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉप से लेकर सैनिटरी फिटिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो डेली नीड्स का आपको चाहिए होता है, सारा सामान आपको बहुत नियर बाय मिल जाता है। बिल्डिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लोग यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं एंड जो मेन इसकी अप्रोच रोड रहने वाली है, आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेन अप्रोच रोड है काफ़ी वाइड है, ये सेम आपको सामने मार्केट की तरफ से अंदर की तरफ कनेक्ट करती है। बिल्कुल नियर बाय 2 से 3 मिनट की दूरी पर आपको यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल ही मिल जाएगा। बाकी मैं आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे ये पूरे स्ट्रक्चर बना हुआ है। रैंप से आप नीचे जा सकते हैं, ये इसकी जो सारी पार्किंग रहने वाली है ये बेसमेंट में रहेगी, तो इनफ स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आराम से आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं बेसमेंट में। अंदर से भी इसका जो रास्ता दिया गया है, आप थोड़ा सामने की तरफ देखेंगे तो ये स्टेयर्स आपको अंदर कनेक्ट करती है। अब इसको दोबारा से हम लोग बाहर की साइड से आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया गया है। बाहर ही आपको सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएगा एंड ये सिक्योरिटी गेट्स है दोनों के, एंड कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद ये इसका कॉरिडोर स्पेस है। बहुत वाइड आपको यहाँ पे स्टेयर्स केसेस मिलने वाले हैं एंड साथ में कॉरिडोर स्पेस मिलेंगे। ये जो फसाड है सारा वुडन का बनाया गया है, इसका अंदर से जो इसकी मेन एंट्रेंस है, जो लॉबी है, वो सारी वुडन की बनाई गई है। ये इसका रिसेप्शन एरिया है, कोई भी आपके घर में आता है यहाँ पे तो ये सारा रिसेप्शन के लिए ये एरिया डिफाइन किया गया है। कॉरिडोर्स बहुत वाइड है एंड ये वही स्टेयर्स हैं जो आपको कनेक्ट करेंगी फ्रॉम बेसमेंट टू द ग्राउंड फ्लोर, एंड दिस इज द लिफ्ट एरिया। एंड अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसका एक्चुअल फ्लैट जो कि 2 BHK का रहेगा। काफी वाइड कॉरिडोर्स रहने वाले हैं जितना भी आप कम्यूट करेंगे अंदर की साइड पर। जैसे आप अंदर की साइड आते हैं तो मेरे को थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे इसका पूरा का पूरा लेआउट है। आप देखेंगे तो दिस इज हॉल कम डाइनिंग, इसमें आपको फॉल सीलिंग विद लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया गया है वुडन विद मिरर्स, ग्लासेस यहाँ पे लगाए गए हैं। इसको भी आप किसी भी तरीके से वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको LED का एक पैनल बना हुआ मिल जाएगा, नीचे इसके आप कुछ भी सामान रख सकते हैं डेकोरेटिव्स के लिए। ये कॉमन वॉशरूम रहेगा जो कि ड्राइंग एरिया से ही कनेक्टेड है, तो इसको आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना सोफ़ा अगर आप इधर लगाना चाहें या इधर लगाना चाहें, जैसे भी आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। थोड़ा आप आगे की तरफ आएंगे, इसको डिवाइड किया गया है, इसका पूरा फ्रेम दिया गया है दोनों तरफ ताकि एक प्राइवेसी बनी रहे। यहाँ से आपकी प्राइवेसी बन जाती है हॉल एरिया में, कोई भी आपका गेस्ट या फिर कोई फ्रेंड अगर आपका हॉल में बैठा है। सो दिस इज़ द किचन एरिया, यहाँ पे आपको ये सारी स्टोरेजेस मिल जाएंगी। ये सारी स्टोरेजेस हैं ऊपर नीचे विद सिंक, और ये सामने की साइड पर आपको दो रूम्स मिलते हैं। पहले मैं आपको ये वाला रूम दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको अलमीरा भी मिल जाएगी। एंट्री आप करेंगे 8 फीट डोर हाइट रहेगी, सभी में आपको 8 फीट डोर हाइट मिलती है। फॉल सीलिंग इस रूम में भी हो रखी है एंड अच्छा स्पेस है इस वाले रूम का भी। इधर देखेंगे तो आपको ये स्लाइडिंग अलमीरा मिल जाती है ताकि आपका स्पेस जो है वो बच सके पूरे रूम का। सो दिस इज द स्लाइडिंग अलमीरा। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसके साथ पे कंबाइंड बालकनी भी है, अटैच्ड बालकनी है। पीछे इसके सड़क है, जैसे फ्रंट में मैंने आपको दिखाई थी जो रोड है, इसके जस्ट पीछे भी रोड है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके दूसरे रूम की तरफ। लाइट वेंटिलेशन के लिए यहां पर आपको विंडो मिल जाएगी, यहां से आप देख सकते हैं। ये अटैच्ड बालकनी है, पीछे इसके पीछे गली भी आपको मिल जाएगी एंड यहां भी आपको कबर्ड मिल जाती है। बहुत ज्यादा स्टोरेज आप इसमें कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेस है। यहां पे रोड लगी हुई है, आप अपने हैंग कर सकते हो कपड़े, ऊपर आप स्टोरेज कर सकते हो, नीचे आप आराम से स्टोरेज कर सकते हो।
एंड यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग लाइट्स ये सब मिल जाता है। एंड बाथरूम की भी यहाँ पे आपको 8 फीट की डोर हाइट मिलने वाली है। ये इसका अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, सो यू कैन से दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। तो ये पूरा जो आप अब देख रहे हैं इसके अंदर जितना भी ये सामान है, चाहे वो LED वाला पैनल है, दोनों अलमीराज हैं, किचन है, या ये जो फ्रेम्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। सो गाइज, ये फ्लैट आपको 31 लाख का एक्सप्लोरियर प्रॉपर्टी की टीम से आप कॉन्टेक्ट करेंगे। 31 लाख में आपको बिल्डर दे रहा है ओन टेबल बैठ करके, कुछ इसमें भी बेस्ट प्राइस हो सकता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम, एक्सप्लोरियर प्रॉपर्टी की टीम आपको विजिट भी करवा देगी यहाँ पर, और भी आपको बेनिफिट्स यहाँ पर बता देगी। बिल्कुल साथ से यहाँ पर दादरी रोड का जो फ्लाईओवर बन रहा है वो हार्डली 2 मिनट आ गई है। एंड मेन मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पर है हॉस्पिटल पास में है, हाई रेज अपार्टमेंट्स है पीछे 107 के अंदर, जहाँ पे काउंटी, प्रतीक, महागुण, बड़े बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। लोकल मार्केट की बिल्कुल समस्या नहीं है, पास में आपको सारा सामान मिल जाता है। सो ये तो थी वीडियो 110 सेक्टर ब्रह्म निवास की। कोई भी इंक्वायरी है आपकी एंड इसी बजट के अंदर अगर आपको किसी और सेक्टर में भी बिल्डर फ्लैट्स चाहिए, लो राइज अपार्टमेंट्स चाहिए, तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।